तो फ्रेंड, बुलन सूट की कटिंग और सिलाई कैसे होती है इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए इसके मेजरिंग देखते हैं। कपड़े को अलग कर लिए हैं, दोनों पार्ट अलग कर लिए हैं। ये आगे साइड का है, इसको सेट कर लेंगे। इसकी लंबाई 46 इंच लेंगे, ये लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे। इसके शोल्डर 7.5 इंच लेंगे, इसके आर्म होल 7.5 इंच लेंगे। ये अंदर साइड 1/2 इंच डाउन करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके निशान लगाएंगे। शोल्डर में 2 पॉइंट नीचे डाउन करेंगे। ये जो 1/2 इंच लिए हैं वहीं से इसका निशान लगाएंगे। आगे के लिए 1 इंच और पीछे साइड के 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथाई भाग 11.5 इंच है, 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये नीचे साइड 7-7 इंच पर निशान लगाएंगे, पूरे 14 इंच लेंगे। कमर 10.5 इंच लेंगे, हिप 11.5 इंच है। इसको तिरछा लाइन मिलाएंगे, दो इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब सभी लाइन को सीधा कर लेंगे। नीचे के गोलाई के लिए हिप के अकॉर्डिंग निशान लगता है, हिप 11.5 इंच है तो नीचे भी 11.5 इंच लेंगे। अब इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ छोटा छोटा कट लगाएंगे। आगे साइड को हटा लेंगे। ये आर्म होल में जो 1/2 इंच का गोलाई दिए हैं उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। पीछे पल्ले को अब नेक के कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लिए हैं, इसके लंबाई 3 इंच है। ये बोट नेक बनाएंगे। इसको गोलाई शेप दे देंगे। इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। हमने कटिंग कर लिए हैं। चलिए अब सिलाई करते हैं। आगे साइड दूसरे कपड़े पर रख करके इसको नेक बनाएंगे। पूरे नेक का डिजाइन पर सिलाई लगा लेंगे। जो कटिंग कर लेंगे। इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे, सिलाई छोड़ करके कट लगाएंगे। इसको अंदर साइड मोड़ करके सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर।
ये पूरा नेक पर सिलाई लगा लिए हैं। ये तिरछा पट्टी लिए हैं, इसको तुरपाई के लिए लगाएंगे। तो ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। पूरा लगा लिए हैं, अब इसको शोल्डर का ज्वाइंट करेंगे। दोनों शोल्डर एक साथ ज्वाइंट करेंगे। इसमें बाजू लगा लिए हैं, इसको फिटिंग शेप देंगे। पूरे सूट में सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें चौक बनाएंगे। तो इस तरह सेट करके किनारे सिलाई लगाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ कपड़ा अच्छे से सेट करके चाक बनाएंगे। पूरे नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। पूरा सिलाई लगा लिए हैं, इसी तरह दूसरे साइड भी चौक बना लेंगे। ये पूरा साइड से चौक बना लिए हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर लें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।